उधर भोपाल से हरदा के बीच छिपानेर में नर्मदा नदी पर बने नए पुल पर से आवागमन बंद है। इसके बावजूद इस रूट पर बस को परमिट जारी की गई है। ऐसे में ये मामला सामने आने के बाद हालांकि परमिट को निरस्त कर दिया गया है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने डिप्टी कमिश्नर अरुण कुमार से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमारे साथ हैं। अरुण सर, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट को लेकर जो दिक्कतें आ रही, परिवहन विभाग को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपके हाथ में बहुत से संभाग हैं जिनकी ड्यूटी, जिनकी कसावट आपके हाथ में, क्या कर रहे हैं उस कसावट के लिए? देखिए, हमारे पास चार संभाग है और हम लोग चार संभाग में जो सभी RTOs हैं वो अपने अनुसार नियमानुसार काम करते हैं। हमारे पास मुख्यतः जो है मूल काम हमारा परमिट का रहता है, उसमें भी TP की परमिट जो है RTO को डेलीगेटेड है। हम लोग परमानेंट परमिट की बैठक करते हैं, उसका विधिवत निराकरण करते हैं। बाकी हमारे परिवहन आयुक्त महोदय हैं और हमारे एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, सभी लोग अपने हिसाब से उन पर निगरानी रखते हैं और कार्रवाई होती है। भोपाल से हरदा के बीच रास्ता क्लियर नहीं हुआ, पुल का निर्माण नहीं हुआ और बस को परमिट मिल गई, आपकी देखरेख में? ये हमारे संज्ञान में एक समाचार पत्र के माध्यम से आया था और हमने तुरंत उसकी RTO हरदा से जाँच कराई और उसमें जो कमियां थी उसको देखते हुए हमने तुरंत उसका परमिट निरस्त कर दिया है। भोपाल से इंदौर अटल बस जो चलती थी, कई बसें चलती थी, वो अचानक से बंद हो गई और प्राइवेट बसों का जो है वो झुंड आके सड़कों पर दौड़ने लगा, ये कैसे संभव हो गया? आपने इस बात को बताया, मैं इसका परीक्षण करा लेता हूँ। ये जानकारी बहुत दिन पहले से बंद हो गई, अब तो पूरा मतलब घाटा हो गया सरकार, उसको देख लेते हैं, परीक्षण करा लेते हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। आपका विभाग सरकार का, आप सरकारी हैं और आपको ही नहीं पता कि निरीक्षण हम बता रहे हैं? नहीं, ठीक है ना, आपने जो तथ्य बताए हैं उसका परीक्षण कर लेते हैं। क्या दोषियों पर क्या कार्रवाई करेंगे? अगर कोई कमी पाई जाती है तो हम लोग उसका रिपोर्ट परिवहन आयुक्त महोदय, भी अगर परमिट है आपके सामने, निरस्त किया आपने? नहीं, देखिए, परमिट वाली जो कार्रवाई है कोशी जुडिशियल के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसका जो तरीका होता है उसकी अपील का प्रोविजन है। अगर कहीं गलती होती है पर उसकी अपील की जा सकती। जो समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन हुआ था उसमें हमने देख लिया कि थोड़ी सी इसमें उसमें कमी है तो हमने परमिट को निरस्त कर दिया। तो जब तक जांच चल रही है तब तक बस से पृथक नहीं किया जा सकता अधिकारी? अब ये अधिकार जांच को तो गुमराह कर सकते हैं। ये इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक परमिट वाली बात है, परमिट निरस्त कर दिया। जब तक कि वो मार्ग चालू नहीं होता उसको किसी को परमिट उस रूट पर जारी नहीं होगी। मतलब आपके अंडर आने वाले चारों संभाग में अब किसी तरीके की कोई गलती नहीं मिलेगी आज के बाद से? ये मैं थोड़ी कह सकता हूँ, कोई बात जब भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हम लोग जाँच करेंगे, रिपोर्ट देंगे। जब भी कोई तथ्य सामने आएंगे उस पर जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहने से कतरा रहे हैं कि जो गलत है उन पर कार्रवाई होगी। विनीत श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन रामपाल, खबर फास्ट।